हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा था, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, मतलब हमने खुद का डेटा टाइप बनाया था और उस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। देन उनमें हमने जो वैल्यू असाइन की थी वो खुद से असाइन की थी, मतलब प्रोग्रामर ने ही ये वैल्यू हार्ड कोड कर दी थी प्रोग्राम के अंदर। अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हम यूज़र से लें, तो यूज़र से वैल्यू लेने का क्या तरीका रहेगा वो हम देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं केवल एस को लेके चलता हूँ। अभी मैंने दो स्ट्रक्चर वेरिएबल लेने की जगह एक ही स्ट्रक्चर वेरिएबल लिया, और अब आपको पता है कि अगर यूज़र से डेटा लेना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्कैनएफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्कैनएफ से डेटा लेने से पहले हम प्रिंटएफ के थ्रू यूज़र को मैसेज दे देंगे। तो प्रिंटएफ के थ्रू मैंने यूज़र को मैसेज दिया, एंटर रोल नंबर, ठीक है। यूज़र को सामने मैसेज मिल जाएगा तो उसको क्लियर हो जाएगा कि ये डेटा उसको डालना है। एंटर रोल नंबर कोमा ग्रेड एंड परसेंटेज, ठीक है। तो यूज़र को ये मैसेज आएगा, एंटर रोल नंबर ग्रेड एंड परसेंटेज, फिर स्लेशन से न्यू लाइन आ जाएगी। और उसके बाद, ठीक है, मैं उसी प्रोग्राम में एडिट कर रहा हूँ। तो अगर आपने मेरा पहला इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, फिर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, फिर उस मेन फंक्शन में उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर मैंने खुद से वैल्यू ना असाइन करते हुए यूज़र से वैल्यू लेना मैं चाहता हूँ। तो मैंने प्रिंट एफ के थ्रू यूज़र को मैसेज दिया, रोल नंबर ग्रेड और परसेंटेज एंटर कीजिए, और यूज़र जो रोल नंबर ग्रेड परसेंटेज डालेगा उसको मैं एस के रोल नंबर ग्रेड और परसेंटेज में एंटर करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्कैन एफ का यूज़ कर लेता हूँ, और स्कैन एफ के अंदर सबसे पहले मुझे यूज़र से रोल नंबर इनपुट करवाना है, तो मैंने परसेंटेज डी का यूज़ कर लिया। फिर मुझे ग्रेड का ग्रेड इंटर करवाना है तो मैंने परसेंटेज सी यूज़ कर लिया। फिर मुझे परसेंटेज देना है जो कि फ्लोट टाइप का है, तो परसेंट एफ यूज़ कर लिया, ठीक है। अब रोल नंबर मुझे रखना है एस के रोल वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो एस के रोल वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो एस स्ट्रक्चर वेरिएबल एस का जो रोल वेरिएबल होगा, ठीक है, जो रोल एट्रीब्यूट है उसका एड्रेस हम बताएंगे। तो एड्रेस निकालने के लिए हमने एम परसेंट लगाया, एम परसेंट एस डॉट रोल, ठीक है। सिमिलरली एम परसेंट सॉरी एम परसेंट एस डॉट ग्रेड, ग्रेड वेरिएबल का जो एड्रेस होगा उस पे कैरेक्टर डेटा इनपुट हो जाएगा। फिर जो एड्रेस है परसेंटेज वेरिएबल का जो स्ट्रक्चर एस के अंदर है उसका जो एड्रेस होगा उसमें फ्लोट डेटा स्टोर हो जाएगा। हम यूज़र से फ्लोट डेटा जो लेंगे वो इस एड्रेस पे जाएगा। तो एस स्ट्रक्चर वेरिएबल के तीनों पार्ट्स में डेटा आ जाएगा और उस डेटा को हम प्रिंट एफ के थ्रू कर देंगे डिस्प्ले। तो ये हमने यूज़र से डेटा इनपुट करवाया, ठीक है, स्कैन एफ का यूज़ करते हुए। इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो मैंने रन किया तो सबसे पहले प्रिंट एफ के थ्रू हमारे पास मैसेज आया, एंटर रोल नंबर कोमा ग्रेड एंड परसेंटेज। तो मैंने कुछ रोल नंबर डाल दिया, 44, ग्रेड डाल दिया ए, परसेंटेज डाल दिया 95.45, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो डेटा मैंने यूज़र से लिया वो
वो आपको यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर का एग्जांपल किया था, उसमें तो हमने खुद से वैल्यू असाइन की थी, मतलब जो वैल्यू डाली थी स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर वो प्रोग्रामर ने डाली थी, और इस बार मैंने यूज़र से वैल्यू ली है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर के और भी एग्जांपल्स करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।